अब जो नेक्स्ट बेसिस है, नेक्स्ट बेसिस क्या है हमारा, ऑन द बेसिस ऑफ एडिशन और रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। अब बात ध्यान से, इलेक्ट्रोपॉजिटिव क्या होगा, इलेक्ट्रोपॉजिटिव का मतलब जिसने इलेक्ट्रॉन लूज कर लिए, यानी इलेक्ट्रॉन डोनेट करके वो पॉजिटिव हो गया, यानी कि कैटायंस। ओके, या मेटल की बात कर सकते हो, मेटल्स या वो सब्सटेंस जो इलेक्ट्रॉन जो है वो डोनेट कर देते हैं। तो अगर किसी ने रिमूव हो गया है, किसी रिएक्टेंट में से इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट रिमूव हुआ है, तो है वो ऑक्सीडेशन। और अगर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट ऐड हुआ है तो उसे बोलेंगे हम रिडक्शन। ध्यान से देखो, तो अब ये जो रिएक्शंस हैं, इनमें देखो, फर्स्ट रिएक्शन में पोटेशियम आयोडाइड था, क्लोरीन से रिएक्शन हुई तो पोटेशियम क्लोराइड बना, आयोडीन आला हो गया। तो हमने अभी देखा इलेक्ट्रोपॉजिटिव मतलब मेटल, तो पोटेशियम मेटल है, तो आयोडीन में से ये जो पोटेशियम है वो अलग हो गया, यहाँ पे आयोडीन अलग हो गया ना और पोटेशियम रह गया, तो पोटेशियम क्लोरीन को मिल गया, तो आयोडीन में से पोटेशियम जो है वो रिमूव हुआ है। कौन सा, इलेक्ट्रोपॉजिटिव रिमूव हुआ है, तो ये क्या हो गया, आयोडीन का ऑक्सीडेशन हुआ है यहां पर। ओके, नेक्स्ट इसमें भी देखो, सल्फर के साथ हाइड्रोजन था पर प्रोडक्ट में सल्फर के साथ हाइड्रोजन नहीं है, तो यहां पे भी सल्फर का क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हुआ है। नेक्स्ट देखें, मैग्नीशियम मेटल है, क्लोरीन, क्लोरीन के साथ मैग्नीशियम जुड़ गया, यानी कि क्लोरीन के साथ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट जुड़ गया है, एडिशन हुआ है, तो क्लोरीन का यहां पर क्लोरीन का क्या हुआ है, रिडक्शन हुआ है। और देखो यहां पे इस रिएक्शन में देखो, क्लोरीन के साथ देखो यहां पे आयोडीन से पोटेशियम अलग हो गया, तो आयोडीन का तो हो गया ऑक्सीडेशन, पर क्लोरीन में ये ऐड हो गया, तो क्लोरीन का, इस क्लोरीन का क्या हुआ है, रिडक्शन हुआ है। ओके, अब जो नेक्स्ट बेसिस है, नेक्स्ट बेसिस है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ एडिशन और रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव पढ़ा था पहले, अब इलेक्ट्रो नेगेटिव ओके एलिमेंट। अब देखो इलेक्ट्रोपॉजिटिव क्या बताया था, इलेक्ट्रोपॉजिटिव क्या था, जो इलेक्ट्रॉन लूज कर दे, तो इलेक्ट्रो नेगेटिव जो इलेक्ट्रॉन गेन करे और माइनस का सिंबल बने। ओके, तो अगर तो इलेक्ट्रोनेगेटिव सब्सटेंस ऐड हुआ है तब तो है ऑक्सीडेशन, उल्टा हो गया ना उसका, और अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव रिमूव हुआ है तो है ये रिडक्शन। ओके, पहले उल्टा था, पहले इलेक्ट्रोपॉजिटिव अगर ऐड होता था तो रिडक्शन हो जाता था, इलेक्ट्रोपॉजिटिव जो रिमूव होता तो ऑक्सीडेशन होता था, अब ये उल्टा है, तो इसलिए इसमें आप थोड़ा जो है मिसगाइड हो सकते हो। तो ध्यान से समझना, इलेक्ट्रोनेगेटिव अगर जुड़ेगा तो ऑक्सीडेशन, और इलेक्ट्रोनेगेटिव अगर रिमूव होगा तो रिडक्शन होगा। तो अगर हम इन इक्वेशन में देखें, ये जो रिएक्शंस है इसमें देखो, मैग्नीशियम क्लोरीन, मैग्नीशियम है इलेक्ट्रोपॉजिटिव, क्लोरीन क्या है इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो हम बात करें इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो मैग्नीशियम है इलेक्ट्रोनेगेटिव जुड़ गया, तो मैग्नीशियम का क्या हो गया, मैग्नीशियम क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया यहां पे मैग्नीशियम का। ओके, और उल्टा देखें, क्लोरीन में मैग्नीशियम जुड़ा, अगर मैग्नीशियम की बात करें, मैग्नीशियम का तो है ऑक्सीडेशन, क्लोरीन में तो मैग्नीशियम जुड़ा है, यानी मैग्नीशियम क्या था, मैग्नीशियम था इलेक्ट्रोपॉजिटिव, तो क्लोरीन में इलेक्ट्रोपॉजिटिव जुड़ा तो क्लोरीन का तो हो गया रिडक्शन, पर मैग्नीशियम में इलेक्ट्रोनेगेटिव, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन गेन करता है ना क्लोरीन, जुड़ा तो मैग्नीशियम का क्या हुआ, ऑक्सीडेशन। अगर यहां पे देखें तो आयरन क्लोराइड में से देखो क्या हुआ, एक क्लोरीन चला गया, तो
क्लोरीन कम हो गया, क्लोरीन क्या करता है, क्लोरीन तो इलेक्ट्रॉन गेन करता है, वो क्या है इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो इलेक्ट्रोनेगेटिव कम हो गया यानी रिमूव हो गया, तो यहां पे आयरन क्लोराइड जो है जिसको हम बात करें आयरन क्लोराइड इसमें हो गया रिड्यूस होके क्या हो गया, एक क्लोरीन कम वाला आयरन क्लोराइड बना, यहां पे आयरन थर्ड था यहां पे आयरन सेकंड है ओके। तो ये क्या होगा यहां पे, ये जो एग्जांपल है ये किसका है, रिडक्शन का एग्जांपल है ओके। अब आपने देखा कि शुरू शुरू में सिर्फ ऑक्सीजन के एडिशन पे या रिमूवल पे या हाइड्रोजन के एडिशन रिमूवल पे हमने ऑक्सीडेशन रिडक्शन पढ़ा, अब बिना ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के भी ऑक्सीडेशन रिडक्शन है, अब एक और बेसिस भी है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का बताने का, उसको हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में ओके।